गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, ड्यू डेट एक्सटेंशन की पहली किस्त, जी हाँ फ्रेंड्स, पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो आ चुकी है। तीन इंस्टॉलमेंट आनी है ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेके। पहली है आरओसी और एमसीए से रिलेटेड, जो आज आई है 28 तारीख को, और दो जो इंस्टॉलमेंट है वो है जीएसटी की ड्यू डेट्स और इनकम टैक्स की ड्यू डेट्स। तो वो दोनों इंस्टॉलमेंट कल या परसों तक आने की उम्मीद है, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो आज आई है। सबसे पहले इन्होंने बताया है एक्सटेंशन ऑफ कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020। आप सभी को पता होगा 1 अप्रैल 2020 से एक सर्कुलर इशू किया गया था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि जो भी कंपनीज डिफॉल्ट कर गई है, यानी कि उनकी फाइलिंग कंप्लीट नहीं हुई है, वो फ्रेश तरीके से अपनी कंपनीज को एक कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम के अंदर फाइलिंग्स कर सकते हैं बिना लेट फीस के। और उसकी जो डेट थी वो 30 सितंबर 2020 थी। आज यहां पर एक और सर्कुलर आया है जिसमें इस पीरियड को फर्दर एक्सटेंड किया गया। इन कंटिन्यूएशन टू दीज मिनिस्ट्री जनरल सर्कुलर नंबर 12/20 डेटेड 30 मार्च, इन व्यू ऑफ द लार्ज स्केल डिस्ट्रप्शन caused by the COVID situations and after due examination, it has been decided to extend the aforesaid scheme till 31st December 2020. 30 सितंबर को ये स्कीम खत्म हो रही थी, इसे अब 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। All other requirements provided in the said circular shall remain unchanged. क्या है वो सर्कुलर, एक बार आप फटाफट देख लीजिए। ये है कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020, जो कि सर्कुलर आया था 30 मार्च 2020 को। इसमें बताया गया था, इन फर्दरेंस ऑफ द मिनिस्ट्री सर्कुलर 11/20, दिस मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू टेक सर्टन एलिविएटिव मेजर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द कंपनीज। बेनिफिट ऑफ कंपनीज के लिए स्टेप जो है वो लिया गया था, जिसमें बताया गया कंपनीज एक्ट 2013 require all companies to make annual statutory compliance by filing annual return financial statements. Apart from this, various other statements, documents, returns are required to be filed on MCA portal electronic registry within the prescribed time limits, and the filing fees for filing such statements or documents or returns is governed by section 403 of the Companies Act. आपको पता होगा आरओसी के अंदर काफी सारी फाइलिंग्स आपको करनी होती है कंप्लायंसेस से रिलेटेड, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, MGT7, AOC4 वगैरह वगैरह। अगर आपने वो फाइलिंग्स नहीं करी है तो आप डिफॉल्ट की कैटेगरी में चले जाते हैं। द मिनिस्ट्री हैज रिसीव्ड रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स requesting the grant of one-time opportunity so as to enable them to complete their pending compliances by filing necessary documents in the MCA 21 registry, including annual filings, without being subject to a higher additional fees on account of any delay. और जो फाइलिंग करनी होती है उसके अंदर दो तरीके से फीस लगाई जाती है, नॉर्मल फीस अगर आप ड्यू डेट से पहले कर देते हैं, और नॉर्मल प्लस हायर एडिशनल फीस अगर आप ड्यू डेट के बाद करते हैं। तो यहां पर जो हायर एडिशनल फी है उसको खत्म कर दिया गया था इस फ्रेश स्टार्ट स्कीम के अंदर 30 सितंबर तक। इन ऑर्डर टू गिव सच एन अपॉर्चुनिटी टू द डिफॉल्टिंग कंपनीज, जो कंपनीज डिफॉल्ट कर चुकी हैं, एंड टू इनेबल देम टू फाइल द बिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इन द MCA 21 रजिस्ट्री, द सीजी, द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred under section 460 of the Companies Act 2013 has decided to introduce a scheme, namely Companies Fresh Start Scheme, CFSS 2020. इस स्कीम के अंदर आप पुरानी जितनी फाइलिंग्स है वो कर सकते हैं बिना किसी एडिशनल फी के। Condoning the delay in filing the above mentioned documents with the registrar in so far as it relates to the charging of additional fees. एडिशनल फीस नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फीस जो आपको पहले पे करनी थी वही लगेगी, और आपकी फाइलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और आप डिफॉल्ट से बाहर आ जाएंगे। एंड ग्रांटिंग ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम लॉन्चिंग ऑफ प्रोसिक्यूशंस और प्रोसीडिंग्स फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी ऑन अकाउंट ऑफ डिले एसोसिएटेड विद सच फाइलिंग्स, उस फाइलिंग की वजह से जो फर्दर आपको दिक्कतें आ सकती थी वो भी खत्म कर दी जाएंगी। ओनली नॉर्मल फीस for the filing of such documents in MCA 21 will be payable in such case during the currency of this
स्कीम। तो ये बहुत ही अच्छा खबर निकल के आया है जिसमें इस स्कीम की पीरियड को अब एक्सटेंड कर दिया गया है 31 दिसंबर 2020 तक। या पहले ये था 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020। तो इससे एक उम्मीद की किरण जाग चुकी है कि भैया अब हमें एक्सटेंशन जो है वो मिल सकती है बाकी कानून के अंदर भी, जब आरओसी में ये एक्सटेंशन जो है दी गई। सिमिलरली कंपनीज के साथ साथ जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती हैं उनके लिए भी इसी तरीके की एक फ्रेश स्टार्ट स्कीम लाई गई थी जो कि 30 सितंबर 2020 को खत्म हो रही थी, उसका पीरियड भी अब एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि कंपनी हो या एलएलपी हो, दोनों के लिए फ्रेश स्टार्ट स्कीम जो है वो 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड हो चुकी। इन कंटिन्यूएशन ऑफ द मिनिस्ट्रीज जनरल सर्कुलर डेटेड 30 मार्च, इन व्यू ऑफ द लार्ज स्केल डिस्ट्रप्शन कॉज बाय दिस पेंडेमिक, हर जगह इस पेंडेमिक का दिया जा रहा है, जिक्र किया जा रहा है, तो भैया जीएसटी के अंदर भी तो ये पेंडेमिक है, उसको भी जल्दी से जल्दी एक्सटेंड करो ना, उसके लिए वेट किसका हो रहा है। इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द अफोरसेड स्कीम टिल 31 दिसंबर 2020, ऑल अदर रिक्वायरमेंट्स विल रिमेन सेम एज अर्लियर। यहां पर मैं आपको दिखाऊं अगर तो एलएलपी स्कीम के अंदर भी सारी चीजें सेम टू सेम बताई गई हैं, जो भी आपकी एडिशनल फीस थी वो माफ कर दी जाएंगी जब तक ये स्कीम चलेगी और अपनी फाइलिंग आप इस स्कीम के अंदर कर देते हैं, जो कि अब 30 सितंबर से बढ़ा करके 31 दिसंबर तक कर दी गई। पहले ये पीरियड 1 अप्रैल से 30 सितंबर हुआ करता था। तो ये दो चीजें हुई हैं, साथ ही साथ जो बोर्ड मीटिंग करने की बात आती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, उसकी भी पीरियड को एक्सटेंड करके 31 दिसंबर कर दिया गया है। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को जो डेटा बैंक के अंदर अपना डेटा अपडेट कराना था जिसकी लास्ट डेट 30 सितंबर थी, उसे भी एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि चार इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन आज के डेट में निकल के आए हैं कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, आरओसी से रिलेटेड। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पहली इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्सटेंशन जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि एक्सटेंशन का जो सिलसिला है वो चालू हो चुका है और जल्द ही आपको इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड जो एक्सटेंशन है उसकी भी खबर सुनने को मिल जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।